बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाला हूं, अगर आप इसके ऊपर अपना सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि वेबसाइट समझती है कि आप एलिजिबल हैं, आप इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो यकीन करें आप एक दिन के अंदर $10 बड़ी आसानी से अर्न कर सकते हैं। और $10 की अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 2500 से लेकर तकरीबन 2600-2700 रुपया बनता है, जो आप एक दिन के अंदर आसानी से अर्न कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फ्री में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। बाकी काम क्या करना है, कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके साथ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को तसल्ली से, गौर से वॉच करना है। अगर आपको फिर भी कहीं समझ नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको फॉलो भी कर लेना है, उधर आके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं और आपके सामने मैंने स्कैम एडवाइजर को ओपन किया हुआ है। ट्रस्ट स्कोर आप चेक कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 ट्रस्ट स्कोर है। और अगर हम इसकी ट्रैफिक की बात करें तो 3.6 मिलियन इसके ऊपर ट्रैफिक आती है मंथली, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि 2003 से ये वेबसाइट काम कर रही है और कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर इसका हेड क्वार्टर है और ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये 100 नहीं 200% रियल प्लेटफॉर्म है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको उधर से भी रीच आउट कर सकते हैं और गूगल के ऊपर भी आपके आके आप सर्च कर सकते हैं फ्रेश बुक एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। ये आपके सामने फ्रेश बुक एफिलिएट प्रोग्राम आपने लिखना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने ये कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने लिखा हुआ है अर्न अप टू $10 पर फ्री ट्रायल। अगर आपके लिंक से कोई भी पर्सन इसका फ्री ट्रायल लेता है, मतलब कि आपने किसी के साथ लिंक शेयर किया और उसने साइन अप किया उसके ऊपर क्लिक करके और इस वेबसाइट का फ्री ट्रायल जो है वो लिया, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे $10 अगर प्लस अप टू 200 USD पर पेड सब्सक्रिप्शन। अगर वो बंदा बाद में कन्वर्ट हो जाता है पेड सब्सक्रिप्शन में, कोई भी एक प्लान ले लेता है आपके लिंक से, तो आपको मिलेंगे $200। तो यार इसको आप छोड़ दें कि यार मेरे लिंक से कोई बंदा क्यों ज्वाइन करेगा, क्यों इन्वेस्ट करेगा, इसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा आगे जाके आप किस तरह इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट कौन सी हैं। तो इसको आप छोड़ दें, अगर आपके लिंक से फ्री ट्रायल ही कोई ले लेता है, उस बंदे की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, एक रुपया भी उसका नहीं लगेगा और ना ही आपका कोई लगेगा, जस्ट फ्री ट्रायल बंदा लेता है, तो आप $10 अर्न कर लेते हैं। अगर आप एक दिन के अंदर 1 2 3 4 जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इनके प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आप उतना ज़्यादा इससे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्किल आपको नहीं चाहिए, जस्ट आपने इनके प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है। एक चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यार इस चीज़ को आप यूज़ करें, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज आपको होना चाहिए, वो आपने खुद करना है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गूगल से आके इसको सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आके इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन 100% ये रियल प्लेटफॉर्म है, अगर इसके ऊपर आप एक फ्री ट्रायल देते हैं तो आप $10 अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप सक्सेसफुल इनका अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे, एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, आप एलिजिबल होंगे, तो ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप फ्री ट्रायल लोगों को दे सकेंगे, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ चुकी होगी, सबसे पहले जो हमारा मेन काम है, हमने इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ज्वाइन दी एफिलिएट प्रोग्राम इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो ये आपके सामने आपको यूजर नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद कंट्री, ठीक है। तो कंट्री हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर से हमारी कंट्री जो है वो, मेरी तो पाकिस्तान है भाई, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, मेरी इधर पाकिस्तान है तो मैं इधर से पाकिस्तान को देख लेता हूँ, ये आ चुका है पाकिस्तान, ठीक है। तो इधर से हम यूजर नेम देंगे, इधर कोई भी, इधर मैंने यूजर नेम दे दिया रैंडमली, आपने जो भी आपका यूजर नेम है आपने वो देना है। इधर हम कोई भी एक पासवर्ड दे देते हैं, या इधर इसको कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड कंफर्म कर दिया और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लोडिंग हो रही है, उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लें, अदरवाइज आप नेवर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, इधर आप अपना पासवर्ड चेक भी कर सकते हैं जो आपने लगाया, ठीक है। और इसके मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ आपने नोट करनी है,
ये आपसे वेबसाइट मांग रहा है, वेबसाइट का यूआरएल। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप इसका इधर यूआरएल दे दें, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आपने वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है। बेहतर है कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें, उसका इधर आके यूआरएल दें। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक इधर आप दे सकते हैं, और उसके ऊपर आपकी कम अज़ कम ऑडियंस कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने इसके ऊपर शो करवाना है कि मेरे पास ये एसेट्स हैं, मेरे पास फॉलोअर्स हैं, मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, कि मेरे पास ट्रैफिक है, मैं जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ शो करवानी है, तो बाद में आप कमेंट्स में आके कहेंगे कि सर मेरा एफिलिएट प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। तो इसकी मेन वजह यही होती है कि आप जो लिंक प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट का, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसके ऊपर ट्रैफिक होना, सब्सक्राइबर होना, फॉलोअर्स होना ज़रूरी है। तो बेहतर है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें, ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो आप क्रिएट कर लें, ब्लॉगर के ऊपर क्रिएट कर लें, उसके ऊपर आप थोड़ी बहुत ही जो ट्रैफिक है वो गेन कर लें, सोशल मीडिया से गेन कर लें, आप ऑर्गेनिकली गेन कर लें। ऑर्गेनिकली हो सकते हैं आप मुश्किल हो, आप सोशल मीडिया की ट्रैफिक जो है वो उसके ऊपर लेके जा सकते हैं, और इस तरह आप अपनी वेबसाइट का लिंक इधर देके इस एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा टिप दी है कि आपको कोई भी इशू ना आए, आपको कमेंट सेक्शन में आके पूछने की जरूरत ना पड़ेगी। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इधर आपने लिंक देना है, ठीक है। मेरी ये वेबसाइट है, इसका मैं इधर लिंक कॉपी करूंगा और मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप उसको देख के बना सकते हैं, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और ये इधर आ चुका है, इधर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज आपकी वेबसाइट की, ठीक है, इधर मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही है, और ये इंग्लिश के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद ये आपके सामने कह रहा है डज योर वेबसाइट कंटेन अडल्ट कॉन्टेंट, इसको मैं जी कर देता हूँ नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने इनको कॉपी करके ना इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी करके आपने इनको ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि यार ये मैं यस करना है मैंने या नो करना है, वो आपने ऑनेस्टली करना है, ठीक है। तो मैं इसको इधर से कर लेता हूँ, मैं नो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको नो करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जल्दी से इसके जो है आंसर दे देता हूँ। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो, आप कुछ कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर भी आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इधर फिल कर देता हूँ। तो ठीक है जी, मैंने इसको फिल कर दिया जल्दी से, और उसके बाद स्टेप 3 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर दे के इधर वेबसाइट का यूआरएल देना है, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और ये आपने अपने हिसाब से यस नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप 3 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टेप 3 के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे सामने आ जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर आपने क्या करना है कि इधर आपने अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है। तो मैं इधर जल्दी से अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, तो ईमेल दे दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्टेप उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसके बाद आपने चेक पेएबल टू ऑर्गेनाइजेशन ये आपने देनी है। अभी मैं इसको आप बताता हूँ कि आप इसका आपने क्या करना है। उसके बाद फोन नंबर देना है, एड्रेस देना है, लाइन टू एड्रेस देना है, सिटी है, उसके बाद आपकी स्टेट है, उसके बाद आपका जिप कोड है और कंट्री है, और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के बारे में डिस्क्राइब करना है कि आपकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है और आपके पास क्या मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना इधर फर्स्ट नेम देंगे, और उसके बाद हम अपना जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर देंगे, और ये मेरी ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। और उसके बाद इधर आप कुछ भी दे सकते हैं, अगर आपका इसके रेलिवेंट कुछ है तो आप दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। अगर आपकी इस तरह का कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ जी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर से पंजाब सेलेक्ट कर लें स्टेट, और उसके बाद कंट्री मेरा ऑटोमेटिकली इधर सेलेक्ट है। इधर हमने डिस्क्राइब करना है अपनी वेबसाइट के बारे में, और हमने इनको बताना है कि आपके पास क्या प्लान है मार्केटिंग का प्लान। टेंशन नहीं लेनी, आपने कुछ भी लिख सकते हैं, आप ChatGPT से भी आप लिखवा सकते हैं, और आप लिख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने फिल कर दिया, और उसके बाद नीचे आपके पूछा, इसको आपने एंड यूजर के ऊपर ही आने देना है। और उसके बाद ये आपके सामने आपको कह रहा है कि डू यू ऑन दी डोमेन, तो इसको आप यस नो अगर आपके पास है तो ठीक है, और उसके बाद मैं इसको नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप 5 के ऊपर क्लिक कर देना है, अपडेट के ऊपर इसको आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपके सामने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, और उसके बाद आपने ये आपके सामने आपको पेमेंट मेथड भी आपको शो करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कंप्लीट साइनअप के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं इसको सेंड ए चेक बाय पोस्ट ईमेल, इसके ऊपर मैं चेक कर दूंगा, और उसके बाद कंप्लीट साइनअप के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आई एग्री टू दी अबव टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी, और ये आपके सामने आप इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको रीड कर सकते हैं। बेहतर है कि आप रीड करें, ठीक है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें ताकि आपको कोई भी इशू ना आए। तो मैं इसको एग्री तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम चेक करेंगे, इसके ऊपर भी हम चेक करेंगे, और इसको हम करेंगे कंप्लीट साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे।
ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद ये आपके सामने आपको कह रहा है कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दी फॉलो इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल टू डिजिटल, ये आपके सामने मेरा ईमेल है, और उसके बाद दैट वी रिसीव योर एप्लीकेशन, ठीक है, ए टू जेड। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं अपना ईमेल को कि उसके अंदर कोई ईमेल मौसूल हुई या नहीं। तो ये आपके सामने मेरा ईमेल बॉक्स, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जी, आपके सामने ईमेल हमें मौसूल हो चुकी है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो इसके ऊपर हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। ये आपके सामने यू हैव कन्फर्म योर अकाउंट ऑन शेयर एसेल, ठीक है, वी विल बी रिसीविंग योर एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेंस विद इन द नेक्स्ट 3 बिजनेस डे। यानी कि आपको ये रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट 3 डेज के अंदर कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो वेल एंड गुड, आप इनके साथ काम करें, इनके प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है इन केस, तो आप को ये बता देंगे जो भी रीज़न हुई, तो उसके बाद आप उसको कवर करेंगे, दोबारा आप इसको साइन अप करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनके टर्म्स एंड कंडीशन को आपने पढ़ लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत पेश ना आए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके सामने इनका जो है वो वेबसाइट है। ठीक है, ये इनकी फेसबुक वेबसाइट है। कोई भी बंदा आपके लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। इधर ये ट्राई फ्री लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर वो इनका फ्री ट्रायल ले लेता है तो आपको $10 मिलेंगे। अभी आपके सामने इनकी जो प्रोडक्ट है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इनवॉइसिंग है, उसके बाद अकाउंटिंग है, पेमेंट्स है, एक्सपेंसेस है, उसके बाद टाइम ट्रैकिंग है, प्रोजेक्ट है, और उसके बाद ये रिपोर्टिंग है, मेल्स है। ठीक है, ये बेसिकली बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट है, जैसा कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड फॉर बिजनेस ओनर्स एंड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह आपने साइन अप अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और उसके बाद अगर आपकी एक्सेप्ट होती है तो बेस्ट ऑफ लक, आप इनके साथ काम करें। फ्री ट्रायल के अंदर आपको $10 मिल रहे हैं। और इनकी अगर विड्रॉ की बात करें तो 2 मेथड है इनके अंदर, एक तो पेपाल है, दूसरा बैंक ट्रांसफर है। तो आप बैंक अकाउंट के अंदर इजीली अपना विड्रॉ ले सकते हैं, और जो जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो सेटिंग के अंदर जाके आप अपनी जो पे आउट मेथड है, अपना बैंक अकाउंट है, वो दे सकते हैं। और इसके ऊपर विड्रॉ के ऊपर बहुत सारी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, आप उसको भी देख के अपना विड्रॉ ले सकते हैं। तो होप सो आपको आपको सारी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आ रही, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं, मैं चल आपको जरूर गाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।